इंसाइडराइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। कानून मंत्री से गन्ना उद्योग मंत्री बने कार्तिक कुमार अब मंत्री पद से भी इस्तीफा दे चुके हैं। कल देर शाम उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंप दिया। सीएम हाउस से उनके इस्तीफे की पुष्टि भी कर दी गई है। बिहार में जब से कैबिनेट विस्तार हुआ है उसके बाद से ही कानून मंत्री बनाए गए कार्तिक कुमार को लेकर के लगातार जो है वो चर्चाएं हो रही है। लगातार कार्तिक कुमार जो है वो विवादों में घिरते जा रहे हैं और इनको लेकर के सवाल भी तमाम तरह के उठाए जा रहे थे। जब से कैबिनेट विस्तार हुआ, जब से इनको मंत्री पद सौंपा गया, खास करके कानून मंत्री बनाया गया, उसके बाद से लगातार चर्चा जो है वो बहुत सारी तरह की हो रही है और तमाम तरह के सवाल जो हैं वो कार्तिक कुमार पर उठाए जा रहे थे। अपहरण केस को लेकर वारंट विवाद में घिरे कार्तिक कुमार का कल ही विभाग भी बदला गया था। यानी कि पहले उनको कानून मंत्री बनाया गया था, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका विभाग बदल दिया, यानी कि उन्हें गन्ना उद्योग विभाग दे दिया और फिर कल देर शाम कार्तिक कुमार ने मंत्री पद से ही इस्तीफा दे दिया। दरअसल जिस दिन उन्हें एक अपहरण केस में कोर्ट में सरेंडर करना था उसी दिन उन्होंने राजभवन पहुंचकर मंत्री पद की शपथ ले ली। इतना ही नहीं, कार्तिक कुमार कोर्ट की नजर में 8 साल से फरार थे। आज कार्तिक कुमार को कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए हाजिर होना है। वो पटना के दानापुर स्थित व्यवहार न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय के कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए उपस्थित होंगे। उन पर बिहटा थाना के कांड संख्या 859/2014 के मामले दर्ज हैं। अब देखिए, इस्तीफा तो इन्होंने दे दिया, लेकिन एक बात पहले से भी है कि बिहार में जो राजनीति होती है वो वार पलटवार की होती है। जो भी विपक्ष में बैठा होता है वो लगातार सत्ता पक्ष की कमियों को उजागर करता रहता है और तमाम तरह के सवालों के घेरे में डालता रहता है। खास करके इस बार जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से विपक्ष में आई बीजेपी लगातार हमलावर है और चूँकि कैबिनेट विस्तार में जो मंत्री बनाए गए हैं उनके ऊपर कई केस हैं और ख़ास करके कानून मंत्री बनाए गए कार्तिक कुमार के ऊपर तो और भी कई सारे मामले पहले से ही दर्ज थे, तो इसको लेकर के अब जो है बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है और कार्तिक कुमार के इस्तीफे के बाद तो पूरी तरीके से हमलावर कह सकते हैं कि बीजेपी हो चुकी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने हमला बोला है और सुशील मोदी ने ट्वीट किया है कि ये तो अभी पहला विकेट गिरा है, अभी और कई विकेट गिरेंगे। तो इस तरीके से कैबिनेट विस्तार में जो मंत्री बनाए गए हैं उनके बारे में उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि अभी तो पहला विकेट गिरा है, यानी कि अभी आगे और भी ऐसे कई मंत्री लोगों के नाम आएंगे और भी कई विकेट के गिरने की संभावना है। बीजेपी सिर्फ कार्तिक कुमार पर ही हमलावर नहीं है बल्कि और भी कई मंत्री हैं जिन पर ये लोग निशाना साध रहे हैं। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह भी आरजेडी कोटे से मंत्री है और उन पर भी चावल घोटाले में आरोप लगा है। बीजेपी इनको भी बर्खास्त करने की मांग कर रही है। देखिए, जब कार्तिक कुमार का विभाग बदला गया तब ये बातें भी होने लगी कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बीजेपी की बात को मान रहे हैं, क्योंकि बीजेपी शुरू से ही कानून मंत्री से कार्तिक कुमार को हटाने की मांग कर रही थी और ऐसा ही हुआ आखिरकार। हालांकि इन्होंने खुद अपना इस्तीफा दे दिया, कार्तिक कुमार ने खुद अपना इस्तीफा दे दिया विभाग बदलने के बाद से, लेकिन अब सुधाकर सिंह को लेकर के बीजेपी आवाज़ उठा रही है। तो देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार कब और कैसे इनके ऊपर एक्शन लेते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।